मॉर्निंग ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक इन योर हिस्ट्री क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और घर पे पढ़ भी रहे होंगे। और बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो है वो हिस्ट्री का चैप्टर शुरू किया है आपका 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हमने बहुत सारा शीर्षक जो है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे इस चैप्टर के। और मैं आशा करती हूँ कि इस लेक्चर में और एक और लेक्चर में भी वी नीड हमको एक लेक्चर और चाहिए होगा इस चैप्टर ख़त्म करने के लिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मैं प्रे भी करती हूँ गॉड से कि मे गॉड ब्लेस हिज ग्रेसेस एंड ब्लेसिंग्स अपॉन यू ऑल एंड आई ऑल्सो प्रे दैट May God bless you, lot of happiness and health also। और मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आप लोग जो है वो खुश होंगे और अच्छे से पढ़ भी ज़रूर रहे होंगे। बच्चों, मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो बहुत नहीं देख रहे हैं, बहुत से वीडियोज़ जो है आप व्यूज़ बहुत कम है। लेकिन बच्चों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वॉच द वीडियो, क्योंकि वीडियो में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ या स्क्रीन पे दिखाती हूँ बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स जो है वो आंसर्स के लिए और आपको टॉपिक समझने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ आप उसको जो है वो आप वीडियोज़ देखिए और सुनिए और फिर उसको चैप्टर को पढ़िए भी आप। तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इस बात को समझ पाएंगे। आई होप दैट यू ऑल गॉट इट माई पॉइंट। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं, हम आगे का शीर्षक शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और हमने पिछले लेक्चर में जो भी पढ़ा उसको एक बार हम पॉइंट्स पे रिवाइज कर लेते हैं कि वॉट एवर वी हैव डिस्कस, क्या क्या हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा उसको पॉइंट्स में एक बार एक रिविजन के तौर पर देख लेते हैं, ताकि जाके आप आगे का शीर्षक जो है आपको अच्छे समझ में आ सके, उसको कनेक्टिविटी, उसका कनेक्शन आप बना सकें। तो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं आज, और प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड लिसन द वीडियो। एंड एज आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हमने आपको ऑलरेडी आई हैव सेंट यू द PDF एंड हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट वर्क जो है वो आपको बनाना है, और अच्छे से आप बनाइएगा। और प्लीज़ मेक श्योर दैट प्लीज़ आप जो है वो इस प्रोजेक्ट फाइल को आप इस महीने आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ख़त्म इस महीने के अंत तक, यानी एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है चिल्ड्रन, ओके, अंडरस्टूड। सो लेट्स स्टार्ट अ चैप्टर, बट फर्स्ट लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हम उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उदारवादियों की क्रांति 1848 में शुरू हुई थी। ये हमने पढ़ा था कि जब 1830 के दशक में यूरोप में जब भारी घटनाएँ शुरू हुई, भुखमरी थी, बेरोज़गारी थी, जनसंख्या में वृद्धि थी, और ब्रेड उनकी जो रोटी थी, यानी पाव रोटी थी जो उनकी मुख्य खाने का सामान था, उसमें कमी आना और उसके कीमत में बढ़ोतरी होना, ये सारी जब परेशानियां जब 1830 के दशक में यूरोप में शुरू हुआ, तो एक जन विद्रोह भी शुरू हो चुका था पूरी यूरोप में। और बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे लघु उत्पादकों ने, बहुत सारे बुनकरों ने, बहुत सारे वर्कर्स ने जो है वो ऑलरेडी जो है वो विद्रोह करना वो शुरू कर दिए थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये दौर जो है वो पूरी तरीके से जो है वो चलता रहा, और फिर बाद में जब नेशनल असेंबली जब इस्टेब्लिश हुई और उसने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए वो सभी 21 वर्ष के ऊपर के पुरुषों को मत देने का अधिकार दे दिया, तब जाकर कहीं पे जाकर थोड़ा सा इसकी रोकथाम हुई। तो बच्चों, इसमें क्या था कि 1848 में उसका फलस्वरूप इन विद्रोह का क्या परिणाम क्या हुआ कि सन 1848 में जनता सड़कों पे उतर आई, अतः लुई फिलिप भागने को मजबूर हो गए, यानी गद्दी छोड़ने पे मजबूर हो गए, और फिर राष्ट्रसभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया और काम के अधिकार की गारंटी भी दी। बच्चों, इसी संदर्भ में जब फ्रैंकफर्ट शहर में 18 मई सन 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने फ्रैंकफर्ट संसद में, यानी फ्रैंकफर्ट शहर जर्मनी का है, वहाँ फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप भी तैयार किया गया, और इस संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ था। यानी फ्रैंकफर्ट संसद कैसे बना था,
1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधि यानी चुने गए प्रतिनिधि थे। उन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का फ्रेमवर्क यानी प्रारूप तैयार किया। इस संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ था और स्त्रियों ने संघर्षों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया था क्योंकि नेशनल असेंबली में राष्ट्रसभा ने सिर्फ 21 वर्ष के ऊपर जो है वयस्क पुरुषों को ही मताधिकार देने का फैसला लिया था। हालांकि क्रांतियों में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित रखा गया था। और फिर सन 1848 में उदारवादी आंदोलनों से राजाओं को यह विश्वास हो गया था कि अब उन्हें रियायतें देनी ही पड़ेंगी। बच्चों, अगला टॉपिक हमने डिस्कस किया था जर्मनी के एकीकरण के बारे में, यानी जर्मनी के निर्माण में, यानी क्या जर्मनी राष्ट्र के रूप में किस तरीके से फॉर्म हुआ, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ, यानी पूर्व में जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो संघर्ष हुआ उसका दमन कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई, प्रूशिया यानी प्रशा को दे दी गई। अब प्रशा के जो प्रमुख मंत्री थे ऑटो वन बिस्मार्क, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में, उन्होंने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुए 3 विद्रोहों या युद्धों में प्रशा को जीत दिलाई। और इस तरह क्या हुआ, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, यानी जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के जो राजा थे विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। बच्चों, बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में, बिस्मार्क का जैसे कि अभी बताया कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत ही अहम भूमिका थी, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में प्रशा की सेना और नौकरशाह की मदद ली। नौकरशाह बच्चों जिसे कहते सेना, तो आप जानते हैं सेना को, जिसको हम आर्मी कहते हैं, और प्रशा इज़ ए प्रूशिया। तो प्रशा की सेना यानी आर्मी और नौकरशाह जिसको इंग्लिश में हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तो इसमें नौकरशाह का अर्थ क्या है, मतलब बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया में के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाह की मदद ली थी। तो नौकरशाह का मतलब सबसे पहले हम जान लेते हैं बच्चों कि नौकरशाह का मतलब क्या है, ब्यूरोक्रेसी का अर्थ क्या है, यानी सरकारी, ये वो सरकारी अफसर हैं जिनको चुना नहीं जाता, यानी जिनको जनता नहीं चुनती है, जिनको कोई वोटिंग सिस्टम से उनको चुना नहीं जाता है, लेकिन ये सरकारी अफसर होते हैं जो अनिर्वाचित होते हैं। अनिर्वाचित में जिनका निर्वाचन नहीं होता है, तो जो जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं, लेकिन ये सरकारी अफसर होते हैं, शासन के एक अंग होते हैं, शासन का एक भाग होते हैं, और जिसे किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए शासन में चयनित किया जाता है। यानी सरकार या बड़ी संस्था को चलाने के लिए, उसको उसके परिचालन के लिए जो है शासन में इनको चुना जाता है। तो बिस्मार्क का ये मानना था कि इस एकीकरण को हम वहाँ के राजा द्वारा ही पूरा कर सकते हैं, ना कि लोगों द्वारा। इसीलिए वहाँ पर उसने, इसका मतलब ये है कि हम लोगों द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं, बल्कि किसी एक ऐसे राजा को गद्दी दी जाए जो लोगों के बारे में सोचे तो ही, या अपने साम्राज्य के बारे में, हितों के बारे में सोचे। तो उसने क्या किया, तब उसने जर्मनी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने इस प्रक्रिया में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यानी रक्त और लौह नीति को अपनाई, यानी उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, यानी उसने इस एकीकरण के लिए रक्त और लौह नीति अपनाई। इसका मतलब यह है बच्चों, इस ब्लड एंड आयरन पॉलिसी क्या है हम ये जान लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उसका मानना था कि देश के सफल होने के लिए एक मजबूत सेना और औद्योगिकी की ज़रूरत है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत आर्मी और एक स्ट्रॉन्ग यानी एक मजबूत इंडस्ट्री की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रक्त जो है वो सेना को दर्शाता है और लौह यानी रक्त मीन्स ब्लड जो है वो आर्मी यानी सेना को दर्शाता है, और लौह माने आयरन, आयरन माने आयरन इंडस्ट्री यानी औद्योगिकी को बता रहा है। यानी ब्लड का मतलब यहाँ पर है आपका सेना से है, और आयरन का मतलब जो है आपका, और आयरन का मतलब यानी लौह का मतलब औद्योगिकी से है। तो बिस्मार्क ने ये रक्त और लौह नीति अपनाई, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई, और जर्मनी के एकीकरण में।
तो बच्चों आज का टॉपिक है इटली का एकीकरण। जैसे जर्मनी का एकीकरण हमने पढ़ा था, उसी तरीके से हम अब इटली का एकीकरण पर पढ़ेंगे कि इटली के एकीकरण कैसे हुआ, किस तरह से एकीकरण इसका हुआ, इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो जर्मनी की तरह इटली में भी बहुत सारे राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था, यानी वो भी पॉलिटिकल वे में कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, यानी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, विखंडन माने होता है फ्रेगमेंटेशन, यानी पॉलिटिकल में राजनीतिक और विखंडन माने होता है इंग्लिश में कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन, यानी जो जर्मनी जो है वो इटली, जर्मनी की तरह इटली में भी एक राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास रहा है। और इटली भी अनेक जो है वो वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, यानी वंशानुगत राज्य कह सकते हैं कि डायनेस्टिक स्टेट्स, और हैब्सबर्ग एम्पायर में कह सकते हैं मल्टीनेशनल, यानी हैब्सबर्ग एम्पायर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एम्पायर थे, उनको मिला के हैब्सबर्ग एम्पायर बना था। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर में इटली जो है वो बटा हुआ था, बिखरा हुआ था। अब यहाँ 19वीं सदी के मध्य में बच्चों, यही 19th सेंचुरी के बिल्कुल मिडिल मध्य में जो है वो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 19th सेंचुरी 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 प्रांतों में बटा हुआ था। और जिस अब ये 7 प्रांत क्या क्या थे, जैसा कि आपके इसमें देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है नोट्स में किन किन भागों में वो किन किन प्रांतों में क्या क्या बटा हुआ था। जैसे उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था, पहला तो आपका ये था कि उत्तरी भाग जो था वो ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था। दूसरा था आपका मध्य इलाकों पर पोप का शासन था। और तीसरा था आपका दक्षिणी क्षेत्र जो था स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन थे। ये आपका 3 तरह का था। अब इतालवी भाषा ने भी जो है वो अभी कॉमन यानी साझा रूप हासिल नहीं किया था। जो इटालियन लैंग्वेज थी उसका भी एक कॉमन फॉर्म अभी तक नहीं मिला था, जैसे कि जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी भाषा को नहीं मिला था, उसी तरीके से इटालियन को भी इतालवी भाषा ने भी अपना अभी साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। यानी अभी तक जो है इतालवी भाषा का जो है हर क्षेत्र में अलग अलग बोलियां बोली जाती थीं, यानी उसके पास अभी तक वो बहुत ही रीजनल और लोकल वेरिएशंस देखे जा रहे थे अभी तक। यानी यहाँ पे इतालवी भाषी ने अभी तक जो है उसने अपने साझा यानी कॉमन रूप जो है वो हासिल नहीं किया था। यानी पूरे जैसे कहते हैं कि जर्मनी में बाद में जर्मनी भाषा को एक आवश्यक बना दिया गया, पूरे जर्मनी एकीकरण के बाद जर्मन भाषा जो है वो कॉमन लैंग्वेज हो गई, उसी तरह इटली के एकीकरण से पहले भी इटालवी भाषा जो है वो कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, और ना ही और अलग अलग रीजन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रों में इसकी अलग अलग वैरायटी वेरिएशंस देखे जा रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि 1830 के दशक में जीएसपे मितस्नी जो थे, जैसे मितस्नी जो एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि राजनीतिक थे, एक पॉलिटिकल कह सकते हैं कि फिलोसोफर थे, तो हम जीएसपी मितस्नी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इटली का एकीकरण पढ़ लेते हैं। इटली के एकीकरण में बच्चों 3 राजनीतिज्ञों ने बड़ा ही अहम भूमिका थी। एक थी जीएसपी मितस्नी, दूसरा था काव्योर जो कि इटली के प्रमुख मंत्री थे, और तीसरे थे आपके जीएसपी गैरिबाल्डी। इन तीनों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्या इनका क्या ये किस तरीके से ये इटली का एकीकरण हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो जैसे मितस्नी थे जो वहाँ के राजनीतिक थे 1830 के दशक में, उन्होंने इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम, मतलब एक बहुत ही एक सिस्टमैटिक प्लानिंग, एक सिस्टमैटिक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश भी की, और उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। यानी उसने अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए, अपने उपायों को या अपने विचारों को प्रसार के लिए उसने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एक गुप्त संगठन भी बनाया। और 1831 से लेकर 1848 में जो क्रांतिकारी विद्रोहों को दबा दिया गया था, जो 48 में जो क्रांतिकारी विद्रोह जो असफल हुए थे, उसके बाद से क्या हुआ कि युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी जो थी वो एक छोटा सा प्रांत है सर्डिनिया पीडामेंट के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। यानी सर्डिनिया पीडामेंट जो है वो इटली से जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रांत है, वहाँ के शासक थे विक्टर इमैनुअल, उन पर ये जिम्मेदारी आ गई कि अब जो है वो इतालवी राज्यों को किस तरीके से एकत्रित किया जाए, जोड़ा जाए और इटली का एकीकरण प्रक्रिया सफल हो।
अब इस क्षेत्र के शासक जो थे वो अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावना उत्पन्न करता था। यानी उनकी नज़र में ये था बच्चों कि इस जो एकीकरण की बातें कर रहे थे उनकी नज़र में उनकी दृष्टि में ये था कि अगर एकीकरण इटली का हो जाता है तो एक तरह से जो है उनकी राजनीतिक प्रभुत्व, उनका जो पॉलिटिकल जो पकड़ है, जो पॉलिटिकल होल्ड है, वो और भी मजबूत हो जाएगा। तो उसमें सबसे अहम हिस्सा था, भूमिका थी सबसे, वो थे उनके मंत्री प्रमुख काव्योर। काव्योर जो थे वो इटली के प्रमुख मंत्री थे जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए। और काव्योर ना तो एक क्रांतिकारी थे ना ही जनतंत्र पर विश्वास रखने वाला था, बस एक एक कह सकते हैं कि ये इतालवी भाषा का समर्थन करने वाला था, लेकिन उससे कहीं अच्छा ये जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज, ये फ्रेंच भाषा ये बोलता था। लेकिन अब इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बच्चों। फ्रांस से अब क्या हुआ, फ्रांस से सर्डिनिया पीडमेंट भी एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके काव्योर का हाथ था, वो अब ये सर्डिनिया पीडमेंट जो था बच्चों, जैसे कि अभी बताया कि सर्डिनिया पीडमेंट जो है वो जर्मनी से थोड़ा जीतता, जर्मनी के हम कह नहीं सकते हैं कि जर्मनी से सटा हुआ था, लेकिन ये फ्रांस का एक छोटा प्रांत है। ये सर्डिनिया पीडमेंट जो था बच्चों वो फ्रांस से सर्डिनिया पीडमेंट एक छोटा सा हिस्सा था, जर्मनी का हम नहीं कह सकते हैं, जर्मनी का से निकट कह सकते हैं हम, लेकिन ये फ्रांस का सर्डिनिया पीडमेंट था। और इसने क्या किया था, काव्योर ने अपनी कूटनीतिक से, अपनी दिमाग से इसने एक संधि के द्वारा जो है इसको क्या किया था, सर्डिनिया पीडमेंट में ऑस्ट्रेलिया बलों यानी सर्डिनिया पीडमेंट से हाथ मिलाकर उसने 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। यानी उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था सर्डिनिया पीडमेंट के साथ मिलकर। अब क्या हुआ कि नियमित सैनिकों के अलावा, उसके अलावा भी एक और भी पॉलिटिकल क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जीएसपे गैरिबाल्डी। उनके नेतृत्व में बहुत सारी संख्या में सशस्त्र जो है वो स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया जिसमें पीडमेंट ने पीडमेंट से हाथ मिलाकर काव्योर ने हरा दिया था ऑस्ट्रिया को इस युद्ध में। अब 1860 का वो दौर था जब इटली जो है, जब इटली का एकीकरण हुआ बच्चों। तो 1860 में वे जो थे, ये जो जेस्पी गैरिबाल्डी का आयोवेरी ये जो थे, इन्होंने क्या किया, दक्षिण इटली और दो छोटा सा राज्य है सिसोलिया राज में प्रवेश कर गए और उन्होंने वहाँ के शासकों को हटाने के लिए वहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे, किसान थे, जिन पर वहाँ के शासक बहुत अत्याचार कर रहे थे, यानी जो सिसोलिया और के राजा जो है वहाँ के किसानों को बहुत अत्याचार कर रहे थे, वहाँ के किसानों को उन्होंने समर्थन ले लिया और फिर उनका समर्थन पाकर वहाँ के राज्यों को उन्होंने हटा दिया। यानी स्पैनिश जो शासक थे उनको उखाड़ फेंकने में वो कामयाब हो गए। उन्होंने जो क्या किया, टू सिसिलिया राज्य था वहाँ पे उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीत लिया और फिर सारे स्पैनिश शासकों को उखाड़ फेंकने में वो कामयाब हो गए। इस प्रकार 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। और इस तरीके से जो है वो इमैनुअल द्वितीय को, इमैनुअल सेकेंड को एकीकृत इटली का यानी यूनिफाइड इटली का राजा घोषित किया गया था। लेकिन इटली का जो अधिकांश जो लोग थे बच्चों, निवासी थे, जिनमें निरक्षरता की काफ़ी दर ऊँची थी, यानी जो जिसमें बहुत सारे अधिकांश लोग थे जो वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो अभी भी क्या थे, उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। अभी भी वो उदारवादी राष्ट्रवादी जैसी भावनाओं से वो अपरिचित थे, वो नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया था और जिनकी वजह से गैरिबाल्डी ने पूरी स्पैनिश शासकों का उखाड़ फेंका था, उन्होंने क्या किया, इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था उन किसानों ने, यानी इटली के इटालिया यानी के बारे में, इटली के बारे में कभी सुना ही नहीं था इसलिए और सुना ही नहीं था। और वे मानते थे कि जो ला इटालिया है वो इक्टर इमैनुअल की पत्नी थी, यानी वो इटली के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सुने थे ये, क्योंकि उदारवादी राष्ट्रवादी भावना से वो बिल्कुल अपरिचित थे। लेकिन जो है धीरे धीरे जो है, क्योंकि किसान जो है निरक्षर थे, अशिक्षित थे, लेकिन इन पॉलिटिकल राजनीतिक क्रांतिकारियों ने जो है अपने प्रयासों और अपने विचारों से जो है वो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को उन्होंने सफल बनाया। यानी 1860 में इटली एकीकृत हो चुका था और 1861 में पूरी तरीके से ये तब हुआ जब इमैनुअल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित किया गया। अब बच्चों जेएसपी मेथस ने, जो कि इटली के 1830 के दशक में जेएसपी मेथसनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के लिए उन्होंने अपने उपाय, अपने सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। उन्होंने बड़ा ही अहम भूमिका थी। ये कौन थे इसके बारे में हम जान लेते हैं कि जेएसपी मेथस ने इटली के राजनेता,
पत्रकार या एकीकरण का कार्यकर्ता थे, जैसा कि अभी हमने बताया कि इनकी अहम भूमिका थी। इनको इटली का स्पंदित हृदय यानी धड़कता दिल कहा जाता था, क्योंकि इटली की यूनिफिकेशन में, इटली के एकीकरण में इन्होंने इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो इनको इसीलिए, इनके कॉन्ट्रीब्यूशन, इनके योगदान के लिए इनको इटली का स्पंदित हृदय यानी धड़कता दिल कहा जाता था। इन्होंने 1833 बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। ये गुप्त संगठन था और यह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। उनके प्रयत्नों से इटली स्वतंत्र और एकीकृत हुआ, इसीलिए इनको इटली का धड़कता दिल कहा जाता है। और हमारे जो बहुत सारे हमारे यहाँ राजनीतिक नेता थे, इंडिया के, भारत के बहुत सारे राजनीतिक नेता थे, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने क्या किया था, मेतस्नी को अपना आदर्श मानते थे। और जैसा कि लाला लाजपत राय, आपने लाला लाजपत राय के बारे में सुना ही होगा कि ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, हमारे देश के क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो लाला लाजपत राय मेतस्नी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनके विचारों से वो बहुत ही प्रभावित थे। बाद में लाला लाजपत राय ने मेतस्नी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना थी द ड्यूटी ऑफ मैन को उर्दू में अनुवाद किया था। यानी जैसे मेतस्नी एक बहुत ही प्रभावशाली जो है वो राजनेता थे और एक पत्रकार भी थे और एक पढ़ा लिखा पत्रकार थे, और इन्होंने इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, इसीलिए इनको इटली का स्पंदित हृदय यानी धड़कता दिल कहा जाता था। अब बच्चों, अगले क्रांति का अगले जो राजनेता थे वो थे आपके कैमिल बेंसो काव्योर। ये भी एक इतालवी राज स्टेटमैन थे, या कह सकते हैं कि राजनेता थे। तो इन्होंने इटली के एकीकरण आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। यानी काव्योर जो थे वो इटली के एक ऐसे स्टेटमैन थे, एक ऐसे राज ममर्ग थे, एक ऐसे राजनेता थे इटली के, जिन थे जो इटली के एकीकरण आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और वह मूल लिबरल पार्टी का संस्थापक भी थे। इन्होंने मूल लिबरल पार्टी के जो इन्होंने एस्टैब्लिश किया था उसके संस्थापक भी थे। और इटली के एकीकरण के बाद ये इटली के प्रधानमंत्री बने, किंतु केवल 3 माह यानी 3 महीने बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी इटली के एकीकरण के बाद ये इटली के प्रमुख मंत्री थे काव्योर। और फिर इटली का राजा था वो इमैनुअल जो है द्वितीय को रखा गया था 1861 में। लेकिन इटली का जो मुख्य प्रमुख मंत्री थे, जो आपके प्रधानमंत्री थे, वो काव्योर थे। लेकिन ये सिर्फ 3 माह के लिए थे, उनके बाद 3 माह के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अब अगले जो आपके राजनीतिक और सैनिक नेता थे वो थे जुजस्पे गारिबाल्दी। ये जो थे वो इनका जन्म जो है वो 4 जुलाई 1807 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जून 1882 में, यानी ये 4 जुलाई 1807 में ये पैदा हुए थे, इनका जन्म हुआ था और इनका देहांत 2 जून 1882 में हुआ था। ये इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे, जिन्होंने इटली के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काव्योर विक्टर इमैनुअल द्वितीय तथा मेतस्नी के साथ गारिबाल्दी का नाम भी इटली के पिताओं में सम्मिलित है। यानी जैसे काव्योर का बहुत बड़ी भूमिका थी, जैसे विक्टर इमैनुअल द्वितीय की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि विक्टर इमैनुअल द्वितीय को तो 1861 में वहाँ का राजा ही घोषित किया गया था। और मेतस्नी जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल राजनीतिक नेता थे इटली के, उनको ने एकीकरण का बहुत बड़ी उसमें उनकी भूमिका थी। इन लोगों के नाम के साथ गारिबाल्दी का नाम भी इटली के पिताओं में आता है, सम्मिलित होता है, क्योंकि इनकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी इटली के एकीकरण में। गारिबाल्दी जब पैदा हुए तब इटली कई राज्यों में खंडित था और यूरोप की बाकी शक्तियों के रहमोकरम पर था। पहले उन्होंने जो है कार्बोनारी नाम से गुप्त राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन के साथ नाता जोड़ा, लेकिन एक असफल विद्रोह के बाद उन्हें इटली छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कई विद्रोहों और लड़ाइयों में हिस्सा लिया। यानी वह शुरू से ही क्रांतिकारी विचारों के थे। उसके बाद वे वापस इटली आए और इटली को एक करने की लड़ाई में उन्होंने रणनीतिकार रहे। यानी बहुत सारी रणनीतियां उन्होंने बनाई और अपनी क्रांतिकारी विचारों से इटली को एकीकृत करने में उन्होंने जो है वो अपना प्रयास जारी रखा।
और आधुनिक युग में इतालवी लोग उन्हें एक देशभक्त नेता मानते हैं और बहुत ही आदर से देखते हैं। अब बच्चों आगे का टॉपिक आपका है ब्रिटेन की अजीबोगरीब कहानी। इसमें हम ब्रिटेन के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ी और किस तरीके से ब्रिटेन एक ब्रिटिश द्वीप के रूप में आया, ब्रिटिश साम्राज्य के रूप में आया, क्योंकि इसमें इसकी भी अपनी एक लंबी कहानी रही है बच्चों। लेकिन इसमें कोई क्रांति नहीं हुई, यानी ब्रिटेन को ब्रिटेन बनने में किसी तरह का कोई स्ट्रगल या क्रांति वहाँ पर नहीं हुई। एक लंबी प्रक्रिया थी जो धीरे धीरे जो है वो हुई और बाद में एक संपूर्ण ब्रिटेन बन गया। अब जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ब्रिटेन में राष्ट्र का निर्माण किसी अचानक से हुई क्रांति के कारण नहीं हुआ था, बल्कि एक लंबी और बहुत ही समय से चलने वाली प्रक्रिया के कारण हुआ था। अब 18वीं सदी से पहले बच्चों ब्रिटिश देश नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी, यानी 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश देश का नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुआ करती थी। तो ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश पहले क्या था, 18वीं सदी से पहले ब्रिटिश क्या था, ब्रिटिश द्वीप विभिन्न नस्लों के हिसाब में बटे हुए थे। यानी ये जो ब्रिटिश था कई हिस्सों, कई प्रांतों में, कई द्वीपों में बटा हुआ था, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। ये इंग्लिश बोलने वाले लोग थे इसमें, वेल्श बोलने वाले लोग थे, स्कॉटिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, आयरिश लैंग्वेज बोलने वाले यानी आयरलैंड में रहने वाले लोग जो थे, आयरलैंड में रहने वाले जो लोग थे वो आयरिश बोलते हैं, तो आयरिश लैंग्वेज बोली। यानी हम कह सकते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, वेल्स के लोग थे, स्कॉटलैंड के लोग थे, यानी स्कॉटलैंड में बटा हुआ था, आयरलैंड में बटा हुआ था, इंग्लिश द्वीप में बटा हुआ था। तो इस तरीके से हर नस्ली ग्रुप की अपनी अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपरा थी, कोई एक साझा परंपरा या संस्कृति नहीं थी। यानी ब्रिटिश अभी ब्रिटिश नहीं बना था, यानी ब्रिटिश अभी ब्रिटेन नहीं बना था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी प्रक्रिया शुरू हुई बच्चों। जैसे कि इंग्लिश राष्ट्र धीरे धीरे धन संपदा, महत्व और ताकत में बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे इंग्लिश इन सब में, सब देखो, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश में इंग्लिश जो है वो इंग्लिश राष्ट्र जो है, इंग्लिश जो ये है वो धीरे धीरे धन संपदा के साथ साथ ताकतवर हो रहा था। और इस तरह से इसका प्रभुत्व जो है उस द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ना स्वाभाविक था, तो पड़ रहा था। तो एक लंबे झगड़े के बाद बच्चों, एक लंबे जो है अनबन के बाद 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने राज परिवार से सत्ता ले ली और इस इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यानी इंग्लिश चूंकि ताकत धन संपदा में आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए जो है वहाँ के पार्लियामेंट, वहाँ से जो एक राज परिवार जो चला रहे थे इन पाँचों देशों में, उनसे सत्ता ले ली। और फिर क्या हुआ कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक यूनियन एक्ट बना जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हो गई। यानी इंग्लिश पार्लियामेंट ने ब्रिटेन के राष्ट्रों के निर्माण में क्या उसने अहम भूमिका किस तरह निभाई कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक यूनियन एक्ट हुआ जिससे उस एक्ट के तहत यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई। और इस यूनियन में इंग्लैंड एक प्रधान भागीदार था, यानी एक प्राइम जो है वो पार्टिसिपेंट था, एक प्रधान भागीदार था, और इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश सदस्यों की मेजॉरिटी थी, यानी बहुतायत थी, यानी उसमें इंग्लिश सदस्यों की संख्या ज़्यादा थी। अब ब्रिटिश पहचान जो है वो बढ़ने लगी, लेकिन इसका खामियाजा जो है वो स्कॉटिश संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि स्कॉटिश इंग्लैंड में कैथोलिक लोग रहा करते थे। जो स्कॉटिश जो इंग्लैंड का छोटा हिस्सा था बच्चों, वो उसमें कैथोलिक लोग रहा करते थे। जब भी वे अपनी स्वतंत्रता को उजागर करने की प्रयास करते तो उन्हें भारी उससे प्रयासों से दबा दिया जाता था। उन्हें अपनी मौलिक भाषा बोलने और पारंपरिक परिधान पहनने की भी मनाही थी। उन्हें अपनी मौलिक भाषा भी नहीं उनको बोलने का अधिकार था और ना ही पारंपरिक पहनावा पहनने की। तो उनमें से कई को तो उस जगह से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया था जहाँ वे कई पीढ़ियों से रह रहे थे। तो इस तरीके से स्कॉटिश लैंग्वेज को और वेल्श और आयरिश लोगों को जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो उनका सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा था और पार्लियामेंट में उनकी सदस्यता ज़्यादा थी। अब बच्चों आयरलैंड की भी कुछ ऐसी स्थिति थी जैसे स्कॉटलैंड की स्थिति थी, वैसी आयरलैंड की भी स्थिति थी। ये भी एक ऐसा देश था जहाँ कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच गहरी खाई थी। हालांकि कैथोलिक संख्या में अधिक थे, लेकिन इंग्लैंड की मदद से प्रोटेस्टेंट ने अपना दबदबा बना लिया था।
आयरलैंड में कैथोलिक की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, बच्चे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इंग्लैंड की मदद से क्या हुआ था, प्रोटेस्टेंट ने अपना दबदबा बना लिया था आयरलैंड में। अब वोल्फ टोन और उनके यूनाइटेड आयरिश मैन द्वारा, यानी ये जो लोग थे यहाँ पर, इन्होंने जो क्या किया, यहाँ के ये विद्रोही थे, इन्होंने क्या किया 1798 में एक इन्होंने विद्रोह हुआ इनके नेतृत्व में, लेकिन ये विफल हो रहा, इनको इस विद्रोह को दबा दिया गया। उसके बाद 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। अब एक नए ब्रिटिश राष्ट्र के निर्माण के लिए इंग्लिश संस्कृति को ज़बरदस्ती थोपा जाने लगा। क्यों थोपा जाने लगा, ताकि एक नया ब्रिटिश राज्य बनाया जा सके आयरलैंड, स्कॉटिश और वेल्स को मिलाकर। इस तरह से पुराने देश जो थे इस नए यूनियन में बस एक मूक दर्शक बनकर रह गए थे, यानी मूक दर्शक बन के रह गए थे, एक ऑडियंस की तरह बन के रह गए थे। उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी कोई संस्कृति नहीं थी वहाँ पे, वो अपनी भाषा नहीं बोल सकते थे, अपने मन से पहनावा नहीं पहन सकते थे, उनकी अपनी कोई संस्कृति वो फॉलो नहीं कर सकते थे। यहाँ ब्रिटिश राज में है, जो है इंग्लिश संस्कृति को ज़बरदस्ती थोपा जाने लगा था, इंग्लिश भाषा ज़बरदस्ती बोली जाने लगी थी। तो इस तरीके से जो है ब्रिटेन, ब्रिटिश राज्य जो है वो एक राष्ट्र के रूप में बना। तो बच्चों, वी विल स्टॉप हेयर, हम लोग अभी यहीं पे बंद करते हैं, और अगले लेक्चर में आपके दो पॉइंट्स बचे रह गए हैं, राष्ट्र की दृश्य कल्पना और आपका जो है अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो ज़रूर देखिएगा और वीडियो ज़रूर सुनिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप ज़रूर देखिएगा। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, गुड बाय।